नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एस्क्लिक की सहरदे में। दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज का सेशन है सभी डायरेक्ट सेलर कंपनीज, इन नेटवर्किंग कंपनी, सभी डायरेक्ट सेलर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है ये। इस वीडियो के माध्यम से मैं देने जा रहा हूँ, चूँकि आप तो जानते ही हैं, अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा गैजेट पेश किया गया है, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ के लिए कुछ रूल्स निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा डायरेक्ट सेलर्स के लिए कुछ रूल निर्धारित किए गए हैं कि आप अपने बिजनेस का प्रमोशन नहीं कर सकते हैं, आप किसी को जोड़ नहीं सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इन कुछ रूल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और जानेंगे कि हमको करना क्या है एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि जब हम अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, किसी को जोड़ नहीं सकते हैं, तो हम आखिर वर्क कैसे करेंगे और चैन सिस्टम कैसे डेवलप करें, या कैसे हमारा वर्क होगा, कैसे हम सक्सेस करेंगे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हम 2022 के लिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए बने जो नए गाइडलाइंस हैं, नए रूल्स हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट मैकेनिज्म ऑन नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों आइए हम इसको समझते हैं, इसके बारे में क्या चीज़ है। दोस्तों आपको बता दें कि अब जिस राज्य में जो कंपनी है, उस राज्य की सरकार का जिम्मेदारी होगा कि वो एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करे जिससे कि वो उस कंपनी के ऊपर और उस कंपनी में जुड़े हुए लोगों के ऊपर मॉनिटरिंग कर सके, सुपरवाइज कर सके कि सही ढंग से सब हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेकेंड रूल की बात करें तो ऑफिस एड्रेस। दोस्तों इस नियम के अनुसार नेटवर्क कंपनी की एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए और एक प्रॉपर और करेक्ट एड्रेस होना चाहिए, या यूं कहें कि एक फिजिकल रूप से ऑफिस होना चाहिए और उसका एक एड्रेस होना चाहिए। नेक्स्ट जो रूल है वो है कंपनी रजिस्ट्रेशन का। और दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप अपना खुद का डायरेक्ट सेलिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हो, तो कम से कम आपको एक प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या पार्टनरशिप फर्म से रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट रूल है वैलिड आईडी कार्ड का। दोस्तों आपके पास एक कंपनी का वैलिड आई कार्ड होना चाहिए। जब आप कहीं पे मीटिंग या सेमिनार या किसी कस्टमर के पास जा रहे हैं, तो आपके पास कंपनी का आई कार्ड लगा हुआ रहना चाहिए। नेक्स्ट रूल है आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देना होगा, मतलब कि आपको अनुमति ले लेना है पहले से ही, जब भी आप फॉलोअप करने जा रहे हैं किसी कस्टमर के पास, उसको प्रोडक्ट देने जा रहे हैं या कंपनी के बारे में समझाने जा रहे हैं या बताने जा रहे हैं, तो आपको पहले से ही इन्फॉर्मेशन उसको दे देना है और कस्टमर से आपको अनुमति ले लेना है, उसके बाद ही उसके पास उसको जानकारी देने जाना है। दोस्तों हर एक डायरेक्ट सेलर को जब भी किसी ग्राहक को प्रोडक्ट दे रहा है या कंपनी के बारे में बता रहा है, तो किसी भी तरह का झूठा वादा नहीं करना है और कंपनी के बारे में कोई भ्रम नहीं पैदा करना है और कंपनी के बारे में ऐसा कोई बात नहीं बोलना है जिस काम को कंपनी न कर सके और आप झूठ बोल के किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं, ऐसा काम नहीं करना है। इसके अलावा किसी ग्राहक को प्रोडक्ट देने से पहले आपको कंपनी के बारे में पूर्ण जानकारी दे देनी होगी, तब जाके उसको वो प्रोडक्ट देना। ऐसा नहीं कि पहले प्रोडक्ट दे दीजिए उसके बाद कहिए कि भाई इस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है। पहले से ही अनुमति आपको ले लेना है, कन्फर्मेशन कर देना है कि इस कंपनी का ये प्रोडक्ट है जिसे हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा जब भी आप किसी मीटिंग, कंपनी के सेमिनार या किसी ग्राहक से मिलते हैं, तो कंपनी के बारे में पूर्ण जानकारी दे दें कि कैसे आप प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, तो उसको रिफंड कितने दिनों में कर सकते हैं, कंपनी की टोटल पूरी जानकारी आपको दे देनी है। इसके अलावा दोस्तों आप वैलिड आई कार्ड लगाए रखें, कंपनी की पूर्ण जानकारी दें और एक सुनिश्चित कर लें कि जब भी आप कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहे हैं तो वो सही प्रोडक्ट आप दे रहे हैं या नहीं, ये कन्फर्म कर लेना है कि आपका प्रोडक्ट सही है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।